हर दिन हजारों लोग एक्टर बनने की चाहत में मुंबई आते हैं, लेकिन एक दो ही होते हैं जिन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल पाता है। बाकी यूं ही दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। वो लोग जिनको कुछ फिल्मों में काम करने को मिल जाता है, इसके बावजूद फिल्मी दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, खासतौर पर अभिनेत्रियां, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उनमें से सिर्फ कुछ अभिनेत्रियां ही लंबी पारी खेल पाती हैं और कुछ दो चार फिल्मों के बाद अपने घर बैठ जाती हैं या किसी अमीर के साथ शादी रचा अमेरिका चली जाती हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में टिके रहने के लिए अभिनेत्री का खूबसूरत होना जरूरी है, लेकिन कई बार अभिनेत्रियों को किसी फिल्म में काम पाने के लिए अपनी इसी खूबसूरती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और डायरेक्टर्स के साथ हमबिस्तर भी होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही कुछ अभिनेत्रियों के बारे में जिन्हें बड़े समझौते करने के बाद फिल्मों में काम करने का मौका मिला, वो भी प्रोड्यूसर के साथ हमबिस्तर होने के बाद। तो दोस्तों, आखिर कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, आज प्रियंका चोपड़ा जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन फिर भी वो ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाती और न सफल हो पाती हैं। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इस नामुमकिन को मुमकिन में बदला है। लेकिन एक्टिंग करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रियंका चोपड़ा को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें भी एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ रात गुजारनी पड़ी थी। हालांकि आज ये बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी एक जाना माना नाम है और साफ तौर पे इनकी कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत और लगन का हाथ है। कल्की कोचलिन। साल 2009 में आई फिल्म देव डी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना टैलेंट दिखाने वाली एक्ट्रेस कल्की आज भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन चुकी हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इन्हें रोल पाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर के साथ हमबिस्तर होने का मन बना लिया था। उनका मानना था कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद ये इस तरह का काम छोड़ देंगी और अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करेंगी, और असल जिंदगी में भी इन्होंने ऐसा ही किया। टिस्का चोपड़ा। एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री की बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने तारे जमीन पर और गुड न्यूज़ जैसी फिल्मों में काम किया है, लेकिन टिस्का चोपड़ा ने भी इंटरव्यू में ये खुलासा किया है कि इन्हें भी बॉलीवुड में नाम बनाने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। पायल रस्तोगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा पायल रस्तोगी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनके कातिलाना अदाओं पर लाखों लोग दीवाने हैं। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री की ढोल जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए फिल्म डायरेक्टर के साथ सोना पड़ा था। इस बात का खुलासा करते हुए इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक डायरेक्टर ने फिल्म देने के लिए अपने साथ एक रात गुजारने का ऑफर दिया था। क्यों दोस्तों, आपको क्या लगता है, फिल्मों में रोल पाने के लिए प्रोड्यूसर के साथ हमबिस्तर होना सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे